नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रचारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली बनने वाले योग व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आप लोगों के लिए समय समय पर लाते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम ज्योतिष शास्त्र की लेकर आए हुए हैं। जानकारी है स्थान परिवर्तन योग से संबंधित। इस योग में कैसे हम अदला बदली कर रत्न का चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। कारक है तो अति शुभ है, यदि अकारक है उस परिस्थिति में भी जन्म कुंडली की विवेचना करते हुए हम रत्न धारण कर चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं, या यदि हम रत्न धारण आदि नहीं करते हैं, यदि स्थान परिवर्तन योग हो, अकारक भी हो या कारक भी हो, उनसे संबंधित उपाय, उपासना आदि कुछ भी करते हैं तो भी गुप्त तौर पर हम चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं अपेक्षा से ज्यादा। स्थान परिवर्तन योग का अर्थ है एक दूसरे के घर में बैठ जाना। जैसे कि गुरु मंगल के घर में बैठ जाए, मंगल गुरु के घर में बैठ जाए। उदाहरण के लिए मान के चलिए मेष लग्न है, मंगल गुरु के घर में बैठ जाए और गुरु मंगल के घर में बैठ जाए। यह त्रिकोण का अत्यंत ही शुभ स्थान परिवर्तन योग कहलाता है। इस योग में यदि पुखराज को हम अनामिका रिंग फिंगर में, जो कि तर्जनी में पहना जाता है, पुखराज में धारण करें और मूंगा जो कि कोरल, इसको हम तर्जनी में धारण करें, एक दूसरे के स्थान को बदल दें, तो अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आता है। त्रिकोण में तो बिल्कुल मान के चलिए 100% आदमी आंख मूंद कर स्थान परिवर्तन योग का लाभ ले सकता है। और अक्सर बहुत बड़ी बात है, आप चेक कर लीजिएगा जिन लोगों ने भी ऐसी स्थिति में रत्न धारण किए हैं, यदि उन्होंने रत्न धारण किए हुए हैं त्रिकोण ऐसी परिस्थिति में, सामान्यतः तर्जनी में पुखराज और अनामिका में मूंगा सही जगह पे, तो उसका प्रतिफल उनको बहुत कम, ना के बराबर ही देखने में आएगा। यदि वह कुछ समय के लिए, एक हफ्ते के लिए भी अगर थोड़ा अदला बदली कर ले, तो उन्हें 3 से 4 अवश्य देखने में आएगा। हम 3 से 4 नहीं, हम 13 तक कह सकते हैं, क्योंकि योग बताया गया स्थान परिवर्तन योग में एक दूसरे के घर का बदला अदला बदली होती है, तो एक दूसरे को परिवर्तन कर एक दूसरे के स्थान का रत्न एक दूसरे के स्थान पर पहना जा सकता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि अकारक हो, अकारक का कहने का अर्थ है कि वह बाहर हो, जैसे मान के चलिए 6, यानी कि यहां पर को गुरु बैठ जाए, मान के चलिए कि यहां पर नहीं है 6 के अंक में, और यहां पर को बुध बैठ जाए एक दूसरे के घर में, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं वह मीन राशि में बैठ के, और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं वह कन्या राशि में बैठ गए। यहां पर को बुध ग्रह को नीच का भी माना जाता है द्वादश भाव में, और भाव भी द्वादश हो गया, यहां पर को यह शत्रु ग्रह हो गए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अब गुरु यहां पर को भाग्येश भी है, तो रत्न धारण इनका बनता है, क्योंकि मेख लग्न है तो यहां पर ये कारक हो रहे हैं एक जगह पर। तो यदि हम गुरु का रत्न पुखराज पहनते हैं, मान के चलिए हम बुध का रत्न नहीं पहनते हैं, अगर यदि किसी परिस्थिति में राशि कन्या हो जाए या मिथुन हो जाए, मिथुन हो जाए या कन्या हो जाए, तो उस परिस्थिति में हम स्थान परिवर्तन योग का लाभ ले सकते हैं। सबसे कच्ची अंगुली में, जिसमें पन्ना पहना जाता है, यानी कि कनिष्ठिका अंगुली में, इसमें हम पुखराज को धारण कर सकते हैं, और तर्जनी अंगुली में हम पन्ना पहन सकते हैं। स्थान परिवर्तन योग है, क्योंकि योग है तो योग बना है, तो उसका लाभ हम ले सकते हैं, पहनेंगे तो अवश्य ही लाभ देखने में आएगा ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि यहां पर को यह त्रिकोण का भी स्वामी गुरु बन जा रहे हैं। अब यदि हम राशि नहीं है,
हमने मान के चलो कि ना मिथुन राशि है ना कन्या राशि है, कोई अन्य राशि है और यह योग बन गया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि हमने सिर्फ पुखराज ही पुखराज पहनना है, तो पुखराज को क्यों ना हम तर्जनी में नहीं पहनकर स्थान परिवर्तन योग का लाभ लेते हुए कनिष्ठिका अंगुली में पहने, तो अवश्य ही चमत्कारिक प्रतिफल हमें देखने में आएगा। और उन परिस्थितियों में जब हमें गुप्त शत्रु बाधा रोग बाधा हो रही है, इसके अलावा द्वादश भाव से संबंधित चिंता है, कोई हम में कोई ऐसे ऐब है, कोई अवगुण है जो दूर नहीं हो रहे, या कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि कई चीजों से हम लिप्त हैं, या कोई ना कोई परेशानी चल रही है, धन टिक नहीं रहा है, और भी कई द्वादश भाव से संबंधित परेशानियां हमें चल रही है, तो अवश्य ही आंख मूंद कर धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में यदि कोई चीज आपको लाभ नहीं दे रही है, क्योंकि स्थान परिवर्तन योग है, ज्योतिषी बताते हैं, जो बड़े बड़े ज्योतिषी है, कि अवश्य पहनना चाहिए, पहन के देखिए। अब यदि यहां पर तो त्रिकोण के भी स्वामी आ गए, अब किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा भी होगा कि यह त्रिकोण के स्वामी नहीं बनते हैं, जहां पर के रत्न आदि धारण नहीं किए जा सकते हैं, किंतु वहां पर को भी उन दोनों ग्रहों की स्थिति को देखते हुए स्थान परिवर्तन योग बना है, तो योग बना है तो एक का रत्न तो अवश्य ही चमत्कारी प्रतिफलदायी होगा कहीं ना कहीं पे। यदि और उन भावों से संबंधित, उन ग्रहों से संबंधित यदि समस्या बनी हुई है, तो अवश्य ही आंख मूंद कर उन परिस्थितियों में भी अकारक होते हुए भी रत्न धारण आप आंख मूंद कर कर सकते हैं। तो अकारक यदि हो रहा है तो उन दो ग्रहों की ज्योतिषी से विवेचना कर कौन सा ग्रह हमें सुख फल देगा, किसकी दृष्टि किस ग्रह का संबंध, अकारक ग्रह का रत्न हम धारण करें, क्योंकि उस अकारक ग्रह का संबंध भी यदि बन रहा है त्रिकोण से, राशि के स्वामी से, शुभ ग्रहों से कहीं ना कहीं, तो अवश्य ही धारण कर लीजिए, अकारक का भी प्रतिफल अवश्य ही मिलेगा। अब कोई परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि आदमी ना नहीं भी धारण करने की राय दे सकता है, किंतु तो स्थान परिवर्तन योग है, क्योंकि योग ज्योतिष में माना गया है, तो अवश्य ही उसका फल होता है। बस विवेचना के आधार पर रत्न धारण या कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। तो सामान्यतः जो त्रिकोण में आदि में केंद्र के भीतर हमको देखने में आता है, तो यहां पर तो हमने बिल्कुल आंख मूंद कर रत्न धारण कर लेना चाहिए, आपको अवश्य ही इसका प्रतिफल मिलेगा, जो वास्तविक स्थान पर धारण करके नहीं मिल सकता है, क्योंकि योग है। अब देखिए काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष में क्या है कि लोग बताते हैं रत्न धारण की राय, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से लोगों के एक ही साथ राहु और केतु के रत्न धारण करने की राय दे देते हैं। कुछ परिस्थितियां होती है, बहुत कम परिस्थितियां होती है काल सर्प दोष में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक दोष है, लेकिन उसमें भी परिस्थितियां निकल के आती है। ये तो स्थान परिवर्तन योग है, स्थान परिवर्तन यानी कि बहुत अच्छा योग है, कोई खराब नाम नहीं है इसका। तो इसलिए स्थान परिवर्तन योग में जो ज्योतिषी लोग राय देते हैं कि एक दूसरे के घर अदला बदली कर रत्न पहनने चाहिए, इसका चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आता है। और आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोगों को, जो लोग जानते हैं जिन वो बताते भी है ज्योतिषी, और लोग धारण भी करते हैं, हमने कईयों को बताया, बड़ा अच्छा चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आया। इसी एपिसोड में अगर वो लोग देख रहे होंगे तो अवश्य ही आपको कमेंट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो कहीं ऐसी स्थिति बनती है जिन लोगों को पता है या ज्योतिषियों से आप मालूम कर सकते हैं, तो अवश्य ही रत्न धारण करिए। और विशेष तौर पर उन भावों से संबंधित समस्या यदि बनी हुई है, या उन भावों से संबंधित लाभ भी यदि व्यक्ति चाहता है, हो सकता है कोई काम अटका हुआ हो, 12 भाव है, यही हमारे पूरे जीवन चक्र के को निर्धारित करते हैं, यहीं पर से हम अपने उसको सही कर सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं और सुदृढ़ कर सकते हैं आगे के जीवन को या चीजों को, तो जानकर लाभ ले सकते हैं, अच्छे ज्योतिषियों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि किसका रत्न उचित रहेगा, या वो चीज हमारे लिए रुकी हुई है और किसी योग में फंसी पड़ी है, कोई योग बन रहा है, तो अवश्य ही हमें उससे संबंधित उपाय आराधनाएं कर लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा लाभ मिलने में आएगा। वरना वो चीजें बन वैसी की वैसी रह जाती है, न व्यक्ति समझ पाता है और उलझा ही रह जाता है। तो कई योगों में ऐसा देखने में आता है, अंत तक व्यक्ति समझ नहीं पाता है, पहनते रहता है रत्न, जैसे अब उसका विश्वास उठ जाता है, जैसे पुखराज मान के चलिए चंद्र गुरु में स्थान परिवर्तन योग है, गज केसरी योग भी हो गया, तो अब आदमी पुखराज भी पहनता है, मोती भी पहनता है और कोई लाभ नहीं ले पाता है, और वहीं पर को पुखराज सबसे छोटी में और मोती तर्जनी में पहना जाए, तो अपने आप चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आएगा, या उपाय किए जाए उनसे संबंधित उस तरीके से जो उपाय होते हैं। अब उपाय आदमी नहीं कर पाता है, तो सबसे सरल जो हमारे लिए साधन है, माध्यम है, वो रत्न धारण ही होता है जी। तो अवश्य ही हम कहेंगे कि अंत में कि ऐसी स्थिति हो तो अवश्य ही करना चाहिए रत्न धारण।
तो यह जानकारी जो हम आज आप लोगों के लिए लेके आए, यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर से आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित नई जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। और वो लोग भी जिन लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, तो जरूर अपने एक बार बेल आइकन या सब्सक्राइब को जरूर चेक करें कि नोटिफिकेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो अवश्य ही उसे ऑन कर लें, आप तक भी नोटिफिकेशन पहुंचने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि आपके एपिसोड नहीं आ रहे हैं, तो संभव होता वह हट चुका होता है या कभी हमारे कहने ही अनप्रेस हो जाता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।